Hello and once again welcome to our YouTube channel DeFacto. In this new video series we are going to talk about data science interview questions and answers, how we can crack the data science interview. So we'll discuss the most common questions that are being asked in data science interview and what are the best answers that we can give so that we can crack the interview. So this is our first video of this course and this is part one of that video course. So let's begin our session. Tell me about yourself. So most of you might have given the same answer in your previous interviews, or if you're fresher, you maybe have been taught by your TPO that this is how you can give the answer. This XYZ, I had done this and that and I am good at that. No, that's not enough. If you're giving the interview as a data scientist, what answer you have to give? तो चलिए शुरुआत करते हैं. यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पहला क्वेश्चन कौन सा आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो इतना आसान एक्चुअली नहीं होता जितना लगता है. इसके लिए हमें कहानी बताना अवॉइड करना चाहिए. यू नीड टू अवॉइड टेलिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ. आई हैड डन दिस एंड दैट. But you don't want to pause after three sentences either. आपने फटाफट बता दिए तीन sentences, तो आपने सोचा कि यार हो गया खत्म. About yourself. Given that it is opening question of the interview, your answer becomes even more important as it sets the tone for the rest of the conversation. देखिए क्या होता है, जैसे किसी भी product की packaging अच्छी हो तो उतनी उसकी sales बढ़ती है. जितना अच्छा उसका advertisement होता है उतना चांस होता है उसकी सेल्स उतनी ग्रो करती है. छोटी सी छोटी चीज़ अगर आप उसका ऐड देखें तो वो सबसे पहले अट्रैक्ट करता है लोगों को. उसी तरह जब आप कोई इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो इंट्रोडक्शन से बिगिन होता है. जो हायर करता है आपको, ये हायरिंग मैनेजर, वो इंटरेस्ट लेता है कि आप कैसे शुरुआत करते हैं. अगर आपका फर्स्ट आंसर ही उनको पसंद नहीं आता तो आधा माइंड तो उनको ऐसा लगे जाता है कि बंदे में दम नहीं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए डेटा साइंस. तो हमें अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए अपने आंसर के लिए. स्ट्रॉन्गली स्ट्रक्चर द आंसर टू अ क्वेश्चन. तो लेट्स टॉक अबाउट द सीक्रेट. क्या है वो द सीक्रेट फॉर रिस्पॉन्डिंग वेल टू दिस क्वेश्चन इज स्क्रिप्ट एंड प्रैक्टिसिंग बिफोर एवरी इंटरव्यू. जब भी आप इसका इंटरव्यू देते हैं तो आप एक स्क्रिप्ट लिखिए और प्रैक्टिस करें उसके लिए, उस स्क्रिप्ट के बारे में जो आपने लिखी है उसको एक अट्रैक्टिव वे में आपको लिखना है जो डेटा साइंस से मिलती जुलती हो. सो व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर रिस्पांस. जब आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो आपको कैसे जवाब देना है. टेल द इंटरव्यूअर ओनली फैक्ट्स दैट यू वॉन्ट हिम और हर टू नो. केवल उन्हें ऐसे फैक्ट्स बताइए जो इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं. लेट्स से आप डेटा साइंस का इंटरव्यू देना है तो उससे जुड़ी हुई बातें ही आपको करनी है कि मेरा ये प्रोजेक्ट था, मैंने इस पर वर्क किया मेजर माइनर एज अ फ्रेशर, या मैंने लास्ट कंपनी में इस प्रोजेक्ट पर वर्क किया है, इस बारे में आप बता सकते हैं. और जो फैक्ट्स उनको बताना ज़रूरी है, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने वर्क किया है, और ऐसी छोटी छोटी बात आपको बताना सही रहेगा. नॉट इन डीप. गिव अ हिंट अबाउट योर पर्सनल लाइफ with one or two sentences. For example, tell me about yourself. मैं अपने as a fresher देते हैं आप. I was born and raised in Nagpur. I moved to Pune because it is a vibrant city and I like the dynamic environment. यहाँ पर आपने easily कह दिया कि भाई मैं पैदा तो नागपुर में हुआ था लेकिन पुणे में मैं इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पर पैकेज अच्छा मिलता है. लेकिन ये नहीं बोलना कि पैकेज आपकी कंपनी में अच्छा. हमें बेटर आंसर देने के लिए बोलना होगा ये वाइब्रेंट बड़ी सिटी है जहाँ पर बहुत सारे एक अच्छा एनवायरनमेंट है और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, वर्क के लिए अच्छी सिटी है, नई चीज़ें करने को मिलती हैं. शो दैट यू आर परफेक्ट फिट फॉर द जॉब अंडर कंसिडरेशन. यू हैव द राइट एजुकेशन एंड योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंसेस विल बी वैल्यूएबल एसेट टू द फर्म. आपको ये बताने की कोशिश करनी होगी कि उस कंपनी पर आप रिसर्च करिए एक बार इंटरव्यू पर पहले, और गूगल कीजिए उसको कि थोड़ा बहुत कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसे कैसे आंसर दे सकते हैं उस रिक्वायरमेंट के अनुसार.
और अपने एजुकेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट करना हो करना चाहें आप तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के आपको इंटरव्यू में एक और अच्छा एक इम्प्रेशन आपके इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने डालेगी। कंक्लूड बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस पॉसिबिलिटी एंड हाउ योर स्ट्रेंथ्स मैच विद द प्रोफाइल दैट द कंपनी इज लुकिंग फॉर। तो पूरा बताते बताते अपने बारे में शॉर्ट में आपको आखिरी में बोलना है कि मैं इस कंपनी में काम करने के लिए क्यों एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको मैच करती है प्रोफाइल, और ये कंपनी की और मेरी दोनों की जिस टाइप के वर्क को मैं करना चाहता हूँ जो रिक्वायरमेंट इस कंपनी की है दोनों का अच्छा मेल जोल है, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस कंपनी। तो इस तरह से आप आंसर देंगे तो आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बनेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा उसका आंसर कैसे देना आपको। अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच लीव्स लिटिल स्पेस फॉर मैन्यूवरिंग मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द इंटरव्यू। केयरफुली स्टडी द जॉब्स डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई हाउ योर वर्क एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी यूजफुल इन हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट दिस न्यू पोजिशन। Try to be specific and point out which are the activities that you learned to do in your previous jobs and how they would allow you to perform well at this new position. देखिए मान लीजिए कोई कंपनी में मैं हायर होना चाहता हूँ, वो ई कॉमर्स कंपनी, तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को भी मुझे इस तरह से आंसर देने की कोशिश करनी होगी उस नई कंपनी से थोड़ा मेल खाता हो, कि कोई प्रोजेक्ट जिस पर आपने वर्क किया हो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो तो उस प्रोजेक्ट को आप अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल बी अ गुड एसेट फॉर यू टू आंसर सच क्वेश्चन। आपको लेकिन उसके लिए पहले केयरफुली स्टडी करना है कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो चाहते क्या है आपसे। डेटा साइंटिस्ट इफ दे वांट एंड द कंपनी इज ई कॉमर्स कंपनी, तो आप पास में ई कॉमर्स कंपनी के एग्जाम्पल दे सकते हैं, और किसी और प्रोजेक्ट के लिए वो हायर करना चाहती है कंपनी फाइनेंस इकोनॉमिक्स रिलेटेड एनीथिंग, तो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट उससे जुड़े हुए बताने चाहिए। विच आर द एक्टिविटीज़ दैट यू लर्न टू डू इन योर प्रीवियस जॉब्स एंड हाउ दे वुड अलाउ यू टू परफॉर्म वेल एट दिस पोजिशन। ये आंसर आप देंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका इंटरव्यूअर पर। अगला कॉमन क्वेश्चन जिसे आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं सही ढंग से, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। अ पोटेंशियली डेंजरस क्वेश्चन, ये देखने में ये भी आपको लगता है इजी क्वेश्चन है टू आंसर, बट इट्स पोटेंशियली अ डेंजरस क्वेश्चन। द इंटरव्यूअर वॉन्ट्स टू नो वेदर द कंपनी वुड बी एबल टू काउंट ऑन यू इन द लॉन्ग रन, वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब टू टाइड यू ओवर और फॉर अ करियर। बिसाइड्स हायरिंग समवन दैट इज क्वालिफाइड एंड स्किल्ड, मोस्ट फर्म्स वॉन्ट टू चूज अ पर्सन दैट बिलीव्स इन अ फ्यूचर विद द कंपनी। They don't want to invest a great deal of time and money in order to recruit and train someone who will leave in 2 years. देखिए टू ऑनेस्ट, कोई कंपनी जब भी कोई मशीन वगैरह को का एग्रीमेंट लेती है किसी दूसरी कंपनी से परचेस करती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है उस मशीन से किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो और इलेक्ट्रिसिटी वो कम ले, उसका सर्विस कॉस्ट लो हो और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट चाहिए हो कंपनी अपनी मशीन से, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लो इन्वेस्टमेंट हो, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, ये 3 चीज़ें चाहेगी हो। उसके लिए मशीन का मेंटेनेंस लगता है शुरू में, असेंबल करना मशीन को, बीच बीच में ऑयल वगैरह डालना और ख़राब नहीं हो जाए मशीन। तो इसी तरह जो कंपनी होती है वो आपको रिक्रूट यही देख के करती है एज एन एम्प्लॉई, कि आप जैसे उस कंपनी को जल्दी छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, अगर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं किसी नए प्रोजेक्ट की हायर करके, तो ये नहीं कि भाई उस कंपनी को आप 1-2 साल में छोड़ के चले जाओ और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया आपके ऊपर और मनी आप पे इन्वेस्ट किया आपको रिक्रूट करने में ट्रेन करने में, वो उनका वेस्ट नहीं हो जाए और आपको इतना पैकेज दे रही है, तो भाई एक्सपेंस उनके बढ़ रहे हैं तो उनको जो कैंडिडेट जिसको हायर करेंगे
वे एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना पैसा दे रहे हैं अपन इसको, तो ये परफॉर्म भी उसी हिसाब से करे, वरना निरर्थक प्रयास होगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि ऐसे हमें आंसर देना होंगे, तो कैसे आंसर देना होंगे, लेट्स सी। बाय स्पिनिंग द क्वेश्चन इन द डायरेक्शन यू आर एबल टू अचीव थ्री थिंग्स। फर्स्ट, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम आंसरिंग अ पोटेंशियल डेंजरस क्वेश्चन। सेकेंड, यू विल बी एबल टू एम्फसाइज दैट द मेन ड्राइवर इन योर करियर इज प्रोफेशनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो जो हायरिंग मैनेजर होता है, पहले वो आपसे ये पूछेगा एग्जैक्टली हाउ यू थिंक परहैप्स यू इंटेंड टू गेन वन और टू ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस एंड जॉइन योर फैमिली। वो देखेगा कि अगर एक दो वर्ष में आप उस कंपनी में वर्क करके उसे छोड़ देंगे या फिर अपना खुद का स्टार्टअप कर देंगे, फैमिली बिजनेस से जुड़ जाएंगे 2 साल बाद, तो आप उनका कोई आपको हायर करने का क्या मतलब निकलेगा कंपनी का। तो इस टाइप के अगर आप ऐसा चाहते हैं, आपको करना ही है ऐसा, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर दे सकते हैं। आपको एक तो इस तरह के आंसर नहीं देना है कि यस यस, ऐसी चीज़ों पर यस नहीं बोलना है आपको, और ना ऐसी बात करना है कि भाई आप अपने फैमिली बिजनेस को चलाना चाहते हैं, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप ओपन करना है, नहीं, दैट वोंट मेक अ गुड इम्प्रेशन। तो आपको ये बताना है कि द मेन ड्राइवर इन योर करियर इज योर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाउ डू डेटा साइंटिस्ट यूज स्टैटिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ को फाउंडर ऑफ एन रिक्रूटमेंट फोरम, एन आंसर लाइक डेटा साइंटिस्ट यूज स्टैटिस्टिक्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट डू, इट वुड बी गुड इनफ फॉर हिम If I was interviewing you. However, keep in mind that this is a very tricky question, not because it is hard to answer, on the contrary, but sometimes the question is not asked for the answer itself, but rather for the way you structure your thought process and express an idea. Therefore, assuming you got asked this question, you need to maintain your composure and structure a nice sounding answer. One of the better ways to achieve that is to frame the question with a framework. इस आंसर को हम शॉर्ट रख सकते हैं, लेकिन यूजफुल आंसर रखना होगा हमें, और यू नो पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होगा, तो शॉर्ट एंड स्वीट लेकिन इन डेप्थ, ताकि सामने वाले को समझ जाए। लेट्स सी, हमें सामने वाले को एज ए स्टूडेंट देखना है, तो इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं, पर कम से कम जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करना है। तो एक एग्जांपल हम इसे देखते हैं, जिसमें हम हालांकि समझेंगे बड़ा आंसर, अभी हम देखेंगे, पर आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करते हैं ये आपके हाथ में। इफ यू थिंक अबाउट डेटा साइंस एज अ फील्ड, वी कैन आइडेंटिफाई सेवरल पिलर्स इट इज बिल्ड अपॉन। मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड मॉडलिंग इन जनरल एक्सेट्रा। Now we could simplify this framework by ignoring mathematics as a pillar, as it is the basic of every science. Then we could assume probability is an integral part of statistics and continue simplifying further until reaching three fairly independent fields: statistics, economics and programming. Programming is just a tool for materializing ideas into solutions. Economics, on the other hand, is more about the business thinking about a problem. Therefore, all of a data scientist's work boils down to statistics. One could argue that machine learning is a separate field, but it actually is an iterative programming or programmatically efficient application of statistics. Models such as linear regression, logistic regression, deep learning, decision tree, all are developed by statisticians. Their predictions are nothing more than statistical interfaces based on the original distributions of the data and making assumptions about the distribution of the future values. देखिए, data scientists statistics का कैसे use कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से economics में data science use होता था,
और इकोनॉमिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था डेटा का, और ये लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री शेयर मार्केट वगैरह को प्रेडिक्ट करने में यूज़ होते थे। पर जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आई मार्केट में, इनमें क्योंकि आर, पाइथन, सैस पे हमने बात की, तो ये सारे पैकेजेस आए उनमें, और इनके थ्रू प्रोग्रामिंग करके हमने इन चीज़ों को, क्योंकि बिग डेटा आ गया तो उसको प्रोसेस करने के लिए डेटा साइंस आ गया, और उसके थ्रू हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, डिसीजन ट्री परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो इट इज़ डन टू मेक अजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यूज। लेट्स से एक सिंपल टर्म में अगर हम समझें तो आपको ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी, आप इंटरव्यूअर को समझा पाएंगे इन शॉर्ट फॉर्म। एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका 10 साल का सेल्स 2% से ग्रो हो रहा है, लेकिन विद रेशो ऑफ फर्स्ट ईयर 0.5 था, देन सेकेंड ईयर 0.75 हुआ, थर्ड ईयर एंड सो ऑन बढ़ता रहा, तो एवरी ईयर देर इज सम चेंज। बट हम 11th ईयर का हमको प्रडिक्शन करना है, तो वी कैन मेक द प्रडिक्शन बाई विजुअल नोइंग द स्टैटिस्टिक्स। 10 साल के स्टैटिस्टिक्स को हम देखकर 11th ईयर का निकाल सकते हैं निचोड़ कि वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा प्रडिक्शन। तो उसके लिए हम कई सारे जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, इनके बनाए गए मॉडल्स होते हैं, उनका यूज़ करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो ये चीज़ें डेटा के थ्रू और आसान हो जाती है। सो दैट्स हाउ डेटा साइंटिस्ट यूज स्टैटिस्टिक्स। डीप लर्निंग एक टर्म है इसमें। वेल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स फॉर बैक प्रपोगेशन इज कॉल्ड डीप लर्निंग। अब स्टोचेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड द वर्ड स्टोकेस्टिक इज अ प्रोबेबिलिस्टिक टर्म, देयरफॉर फॉलिंग विद इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिस्टिक टर्म है जिसको हम डीप लर्निंग के थ्रू यूज करते हैं, तो बेटर प्रेडिक्शन हम निकाल सकते हैं इससे डीपली, डीपर फॉर्म में। जैसे मान लीजिए सिंपल हम डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस का यूज़ कर सकें, उसके मुकाबले डीप लर्निंग मोर बेटर प्रडिक्शन कर सकती है। दैट्स वाई डीप लर्निंग इज देयर। बात करें डेटा विजुअलाइजेशन की, इट कुड ऑल्सो कुड फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आफ्टर ऑल अ विजुअलाइजेशन यूजुअली एम्स टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल और द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल डिफरेंट वेरिएबल्स। देखा डेटा विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं, हम डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में और विजुअल फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं डेटा को, और उसको पैकेजिंग करके, जैसे टेबल्यू लैंग्वेज पर आपने अगर वर्क करके देखा हो, इनका एम होता है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल और द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल डिफरेंट वेरिएबल्स। लेट्स सी एक्स वाई एक्सिस पे ईयर एंड सेल्स का डेटा है, तो कितना उसमें कोरिलेशन है वो दिखाएगा ग्राफिकल फॉर्म में, तो वी कैन ड्रॉ एन इमेज एंड वी कैन व्यू इन दैट वे। तो इस तरह से डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स। वन नोटेबल एक्सेप्शन इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। दैट्स एन एक्टिविटी विच इज मेनली रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग एंड ऑफन डज नॉट रिक्वायर स्टैटिस्टिकल नॉलेज। डेटा को आप प्री प्रोसेस करते हैं, ये पहली स्टेप होती है, पर ये एक एक्टिविटी होती है विच इज़ मेनली रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग एंड ऑफन डज नॉट रिक्वायर स्टैटिस्टिकल नॉलेज। इसमें प्रोग्रामिंग लगती है ज़्यादा, स्टैटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये डेटा इंजीनियर और डेटा आर्किटेक्ट का काम होता है। दे नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन स्टैटिस्टिक्स, दैट्स द डेटा साइंटिस्ट जॉब। Finally, there is an exception to the exception, statistical data pre-processing. So here we have got creation of dummy variables, feature scaling, regularization, and so on. While pre-processing tasks in
देयर एग्जीक्यूशन दे रिक्वायर सॉलिड स्टैटिस्टिकल नॉलेज। देखिए डेटा साइंटिस्ट जो होता है, जो बिग डेटा होता है पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसके लिए डेटा इंजीनियर्स और डेटा आर्किटेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो इन्फॉर्मेटिका ETL टूल्स यूज़ करके उस डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं। हडूप वगैरह के थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करना उनका काम होता है। इसके बाद जब वो डेटा आ जाता है डेटा साइंटिस्ट के पास, तो वो ये सारे विजुलाइजेशन, स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह परफॉर्म करते हैं ऑन दैट डेटा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन SAS, R एंड Python प्रोग्रामिंग। SAS, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनालिटिक्स टूल यूज्ड बाय सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। इट हैज़ ग्रेट स्टेटिस्टिकल फंक्शंस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाउएवर, इट इज़ टू प्राइजी टू बी ईगरली अडोप्टेड बाय स्मॉलर इंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल्स। देखिए SAS की बात की जाए तो ये भी एक बड़ी डेटा साइंस की लैंग्वेज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी कॉस्टली है। इसको बड़े इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है, पर ज़माना स्टार्टअप्स का है तो SAS काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगी, इसलिए दे डोंट यूज़ SAS। हालांकि ये बहुत कॉस्टली है, बट इसका भी वैल्यू है मार्केट में SAS टूल का। टॉकिंग अबाउट R, ऑन द अदर हैंड इज़ अ रोबस्ट टूल फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इन तीनों चीज़ों में R काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। द बेस्ट पार्ट अबाउट R इज दैट इट इज़ एन ओपन सोर्स टूल। R एक ओपन सोर्स टूल है, एज सच एज बोथ एकेडेमिया एंड द रिसर्च कम्युनिटी यूज इट जनरसली एंड अपडेटेड विद द लेटेस्ट वर्जन फॉर एवरीबडी टू यूज़। देखिए कई सारे R के जो डेवलपर्स होते हैं, ये अपडेट करते रहते हैं, नई नई लाइब्रेरीज लाते रहते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके R में। तो जब भी हम यूज़ करना चाहें उस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करके फिर ऑपरेशन जो हमको परफॉर्म करना चाहता है, जैसे ggplot प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, वैसे ही हम जिस पैकेज को यूज़ करना है कर सकते हैं, तो वो फ्री होते हैं। इसलिए R लैंग्वेज भी अच्छी लैंग्वेज है और फ्री है। बट टुडे द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ Python। इन कंपैरिजन Python इज़ अ पावरफुल ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स इंट्यूटिव टू लर्न एंड वर्क्स वेल विथ मोस्ट अदर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। Python हैज़ अ माइरियड ऑफ लाइब्रेरीज एंड कम्युनिटी क्रिएटेड मॉड्यूल्स। इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, मॉडल बिल्डिंग एंड मैनी मोर। द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Python इज दैट इट इज़ अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज़ नॉट लिमिटेड इन एनी वे। Python एक सदाबहार लैंग्वेज है, इसे हम नॉट वेब डेवलपमेंट यूज़ करना हो तो Django के थ्रू कर सकते हैं। अगर बात की जाए डेटा साइंस की, तो Python 3 जो आज के समय में 3.678 वर्जन आ चुके हैं इसके, एनाकोंडा जुपिटर के थ्रू अगर हम इसे यूज़ करें तो Python SciPy, NumPy, Matplotlib, Python scikit-learn एंड ऑल अदर टूल्स के थ्रू हम डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा सोर्सेज के लिए डिफरेंट पैकेज होते हैं जिन्हें हम अपडेट कर सकते हैं Python में, तो हम इजीली मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, डेटा विजुलाइजेशन, स्टैटिस्टिकल विजुलाइजेशन, इवन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस यूजिंग NumPy मैट्राइसिस के फॉर्म में, अरे, लिस्ट, टपल वगैरह सब पे, और Python कोडिंग के थ्रू जो जावा, C++ के द्वारा बिल्ड है, तो हम वो सारे ऑपरेशन भी जो हम एक कोडिंग जावा की कोडिंग में जो एक पूरे पेज भर के जो कोड यूज़ होगा
वो चार लाइन में पाइथन कोड के जरिए हो जाएगा. तो दैट्स वाई पाइथन इज सदाबहार लैंग्वेज नाउ एंड इट्स गेटिंग पॉपुलर डे बाई डे. वेयर और हैविंग क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है एसक्यूएल में? एडिंग अ वेयर क्लॉज टू अ क्वेरी अलाउज यू टू सेट अ कंडीशन विच यू कैन यूज टू स्पेसिफाई वॉट पार्ट ऑफ द डेटा यू वॉन्ट टू रिट्रीव फ्रॉम द डेटा बेस. ओके, वेयर क्लॉज क्वेरी जो होती है डेटा सेट में हमें हेल्प करती है रिट्रीव फ्रॉम द डेटा बेस. और बात की जाए हैविंग की, इज अ क्लॉज फ्रीक्वेंटली इम्प्लीमेंटेड विथ ग्रुप बाय. ग्रुप बाय के साथ इम्प्लीमेंट होता है बिकॉज इट रिफाइंस द आउटपुट फ्रॉम रिकॉर्ड्स दैट डू नॉट सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन. तो ये एक फर्स्ट डिफरेंस हो गया. दूसरी बात, हैविंग नीड्स टू बी इंसर्टेड बिटवीन द ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्लॉजेस. Having, in a way, having is like where, but applied to the group by block. Having where जैसी होती है, but ये apply होती है to the group by block. On some occasion, an identical result could be obtained by implementing the same condition, either with the where और विद दी हैविंग क्लॉज. कई बार हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें सेम आउटपुट मिल सकता है रिजल्ट, जब हम वेयर को यूज़ करें या क्लॉज हैविंग क्लॉज को यूज़ करें तो कई बार हमें ये आउटपुट भी मिल सकता है. वो अगर पूछें क्या हो सकता है तो यस. लेकिन द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू क्लॉजेस इज दैट Having can be applied for subsets of aggregated groups. Having apply होता है या हो सकता है for subsets of aggregated groups. While in the where block, this is forbidden. In other words, after having, you can have a condition with an aggregate function, while where cannot use aggregate functions within its condition. तो where block में ये forbidden होता है. और where में it cannot be aggregate functions within its conditions. लेकिन having में ये हो सकता है. यू कैन हैव अ कंडीशन विथ एन एग्रीगेट फंक्शंस. अब बात की जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. अ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन दैट शोज द पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ वेरिएबल एंड हाउ ऑफन दे ऑकर. जो वेरिएबल होते हैं वो कितनी बार ऑकर हो रहे हैं. मान लीजिए कोई डेटा है उसमें साइमल्टेनियसली कुछ डेटा आ रहे हैं, कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन. टू आंसर दिस क्वेश्चन यू आर लाइकली टू नीड टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट अ डिस्ट्रीब्यूशन इज. सो इन स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी यूज द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन वी यूजुअली मीन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैटिस्टिक्स में बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन की तो वी यूजुअली मीन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो हियर इज वन डेफिनेशन ऑफ द टर्म. A normal distribution, also known as Gaussian distribution or the bell curve, is probably the most common distribution. There are several important reasons. क्या reasons हैं? अब बात की जाए normal distribution की. A distribution is a function that shows the possible values for a variable and how often they occur. जो variable होते हैं वो कितनी बार ऑकर हो रहे हैं. मान लीजिए कोई डेटा है उसमें साइमल्टेनियसली कुछ डेटा आ रहे हैं, कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन. टू आंसर दिस क्वेश्चन यू आर लाइकली टू नीड टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट अ डिस्ट्रीब्यूशन इज. सो इन स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी यूज
द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली मीन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स में बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वी यूजुअली मीन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हियर इज वन डेफिनेशन ऑफ द टर्म। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और द बेल कर्व इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। देर आर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन्स। क्या रीजन्स हैं? इट अप्रोक्सीमेट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। कई सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें देता है उस रैंडम वेरिएबल के। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सिंपल मीन्स विद लार्ज इनफ स्पेस सॉरी सैम्पल साइजेस कुड बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल फॉलोइंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ऑल कंप्यूटेबल स्टैटिस्टिक्स आर एलिगेंट, दे रियली आर। डिसीजंस बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइट्स हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अराउंड इट्स मीन विथ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस अराउंड द मीन। Moreover, its mean, median, and mode are the same. अब ये सब आंसर तो हो गए, लेकिन एक बोनस आंसर आप देंगे इसके लिए तो और बेटर होगा। आपकी चांस स्टैंड आउट आंसर देने की होगी और मे बी यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। तो कैसे? यू शुड गेट एन एक्स्ट्रा पॉइंट इफ़ यू मैंशन दैट 95% ऑफ द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम a normal distribution are located within two standard deviations from the mean and 99.7% of the data points are located within three standard deviations from the mean. अब आप एक example भी दे सकते हैं तो अपने answer को आप और गहराई से समझा सकते हैं। वो example क्या है? Since many biological phenomena are normally distributed, it is going to be the easiest to return to a biological example. Try to showcase all facts that you just mentioned about a normal distribution. So, for example, let us focus on the height of people. You know, a few people that are very short and a few people that are very tall. आपके पास एक डेटा है जिनमें कुछ लोग बहुत लंबे हैं, कुछ लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि इनमें कई सारे लोग छोटे तो हैं पर जो सबसे छोटे हैं उनसे थोड़े लंबे हैं, लेकिन वो लगभग आसपास हाइट उनकी है। और जो एकदम टॉल लोग हैं देर आर ऑल्सो जो सबसे टॉल हैं उनसे कम टॉल हैं। तो मोस्ट ऑफ योर एक्वेटेंसेस डू हैव अ वेरी सिमिलर हाइट सेंटर्ड अराउंड द मीन हाइट ऑफ ऑल द पीपल इन योर एरिया और कंट्री। देखिए अगर हम बात की जाए इंडिया की तो नॉर्थ ईस्ट में पीपल की एवरेज हाइट कम होती है, तो वहाँ के लोगों का डेटा लेते हुए एमपी में एवरेज हाइट होती है और पंजाब गुजरात साइड ज़्यादा हाइट होती है। तो जो बीच के स्टेट्स हैं वहाँ पर एवरेज हाइट होगी वेस्ट बंगाल उड़ीसा साइड जो थोड़ी ज़्यादा हाइट होगी शॉर्ट हाइट से, एमपी में मीडियम हाइट और एक्चुअली एमपी में मीडियम हाइट होगी टॉलर से लेस। तो इन दैट वे वी कैन अज्यूम दैट। तो ये सब डिफरेंसेस होते हैं विच आर मेनली ज्योग्राफिकल बट दी ओवरऑल पैटर्न इज सच। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे हम समझ सकते हैं इन दैट वे, that is called normal distribution. अब बात की जाए how are missing values and impossible values are represented in R. देखिए one of the main issues when working with real data is handling missing values. These are represented by NaNR. Impossible values, let's say division by zero for example, are represented by NaN, that is not a number. Excluding missing values from analysis, arithmetic functions or
ऑन मिसिंग वैल्यूज, यील्ड मिसिंग वैल्यूज। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स की अरे क्रिएट की सी 1 2 3, एज बीच में जो नंबर था उसे एन ए नॉट अवेलेबल रखा, कैपिटल एन ए। सो हियर अगर मैं मीन ऑफ एक्स निकालता हूँ, देखिए मैंने एक्स को यहाँ डिफाइन किया और जो ये एक्स था इसका मीन निकालने की कोशिश की, तो मुझे रिटर्न कैपिटल एन ए ही मिलेगा क्योंकि ये एन ए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा स्पेस एन ए डॉट आर एम इक्वल्स टू ट्रू, यानी नॉट अवेलेबल इस डेटा में है, तो इस कोड को अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे एन ए की बजाय ये 1 2 3 के बीच में जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये तो हम अवॉइड कर देंगे, ये नॉट अवेलेबल है, तो जो 2 वैल्यू है, जो इसकी मीन वैल्यू है, वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी इन आर। तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सिंपल वे में, वॉट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा सेट विथ अ नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इट मे मेक सेंस टू रिसर्च वॉट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इन फैक्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और द बेल कर्व। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज रिफर टू द क्वेश्चन व्हाट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन आप वापस से रिवाइज करके देख सकते हैं इसका आंसर। तो बात की जाए, वंस यू आर श्योर दैट यू नो व्हाट अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज, वी कैन प्रोसीड टू द क्वेश्चन एट हैंड। वी एस्टैब्लिश दैट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉन गॉसियन इट शुडंट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इट इज सिमेट्रिकल अराउंड द मीन, द मेडियन एंड द मोड, विच ऑल फॉल ऑन वन पॉइंट। देयरफॉर ऑल वी हैव टू डू इज टू सिलेक्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज नॉट सिमेट्रिकल एंड वी हैव अवर काउंटर एग्जाम्पल। तो इस बात से समझते हैं हम, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं पहले। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड इनकम 2014 में जो हाउस होल्ड इनकम थी 10th, 15th, 90th और 95th, वो क्या क्या थी, 12,353,700, 157,500 एंड 206,600, इस तरह से ये थी बढ़ते क्रम में, और इनकी पोजीशन इस तरह थी 10th, 15th, 90th और 95th। तो इस एग्जांपल को अगर हम समझें, गॉसियन इंस्टेंसेस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाउसहोल्ड इनकम इन द यूएस। यू कैन सी वेयर द 50% लाइन इज, बट दैट इज नॉट वेयर द मीन इज। वाइल द ग्राफ इज फ्रॉम 2014, दिस पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी स्टिल पर्सिस्ट्स एंड इवन डीपन्स द यूनाइटेड स्टेट्स। एज सच हाउसहोल्ड इनकम इन द यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली कोटेड नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हाउसहोल्ड इनकम की, ये जो 50th है हम देख सकते हैं ये मिडिल में लाए नहीं कर रही है, तो ये मोस्ट कॉमन इनकम है हाउसहोल्ड इनकम। तो ये कर्व एग्जैक्ट राउंड नहीं था, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट स्टिल वी गॉट दिस रिजल्ट। सो दिस हाउ नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। नाउ टॉकिंग अबाउट आर हैज सेवरल पैकेजेस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हाउ डू यू डिसाइड विच वन इज बेस्ट टू यूज। इसका आंसर आप इस तरह दे सकते हैं, आर हैज एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन, दिस देयर इज यूजुअली अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर द यूज ऑफ पॉपुलर पैकेजेस इन आर, इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट डेटा सेट्स। दिस कैन बी यूजफुल टू फाइंड आउट द अप्रोच, विच अप्रोच इज बेस्ट सूटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। जस्ट लाइक विद एनी अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा साइंटिस्ट टू चूज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। द चॉइस यूजअली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम इट सेल्फ
or the specific nature of the data, that is size of the data set, the type of values and so on. इसको हम पहले भी समझ चुके हैं पर थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. मान लीजिए मैंने R और R स्टूडियो इंस्टॉल किया, उसमें मैंने हडूप से कनेक्ट किया, डेटा आया मेरे पास और उसमें मुझे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. तो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं तो मुझे पहले इंपोर्ट करने होंगे, पहले पैकेज इंस्टॉल करके हम उन पर वर्क कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट हम देख सकते हैं. टू विजुअलाइज फॉर एग्जांपल एक कॉमन पैकेज है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट्स नेम. सो सच पैकेजेस वी कैन यूज इन आर. तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, लेट से हमारे पास कोई डिफरेंट डेटा सोर्स है, डिफरेंट फाइल है, एक्सेल शीट है, किसी अलग टाइप का नया एल्गोरिदम क्रिएट किया किसी डेवलपर ने, उसका पैकेज डाला तो हमने इंस्टॉल किया, उसको इंपोर्ट किया उस पैकेज को और रन किया ऑपरेशन और वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. कई सारे पैकेजेस अपलोड होते रहते हैं उसके सर्वर आर में और वी कैन यूज देम एज पर आवर रिक्वायरमेंट, वी कैन डाउनलोड फ्रॉम आर साइट. समथिंग टू कंसिडर इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन हाउ मच वर्क द पैकेज इज सेविंग यू एंड हाउ मच ऑफ द फंक्शनैलिटी यू आर सेक्रीफाइसिंग. इट वी आर ऑल्सो मैंशनिंग दैट बिकॉज पैकेजेस कम with limitations as well as benefits. If you are working in a team and sharing your code, it might be wise to assimilate to a shared package culture. Baat ki jaye, what are interpolation and extrapolation? Sometimes you could be asked a question that contains mathematical terms. This shows you the importance of knowing mathematics when getting into data science. Now, interpolation and extrapolation are two very similar concepts. They both refer to predicting or determining new values based on some sample information. There is one subtle difference too. Say the range of values we have got is the interval. हमारे पास range of value है, we have got is in the interval. Interval क्या है? A and B. If the values we are predicting are inside the interval A and B, we are talking about interpolation. Inter equals to between. Okay, ये interval represent होता है inter equals to between, उसके भी A और B के बीच में जो value उसे देखने के लिए. If the values we are predicting are outside the interval A comma B, we are talking about extrapolation. Extra equals to outside. तो इस तरह से हम interpolation और extrapolation perform कर सकते हैं. तो अब example आपके मन में आ रहा होगा यार कैसे होता है ये. Imagine you have got the number sequence 2, 4, blank, 8, 10, 12. तो ये जो 6 है वो यहाँ से लुप्त हो गया, वो नहीं है यहाँ पे हमारे पास. ब्लैंक है पर कॉमा सेपरेटेड है वहाँ पे, तो सब एम्प्टी वैल्यूज देयर. व्हाट इज़ द नंबर इन द ब्लैंक स्पॉट? ये तो हम जानते हैं, इट इज़ ऑब्वियसली 6, 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, सबको याद होगा. बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू इंटरपोलेटेड द वैल्यू. नाउ विद द नॉलेज यू नो द सीक्वेंसेस, बताने की ज़रूरत नहीं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट वैल्यू इन द लाइन? 14, राइट. Finally, we must connect this question with data science a bit more. If they ask you the question, they are probably looking for you to elaborate on that. So, hum yahan pe bata sakte hain interpolation or extrapolation. Whenever we are doing predictive modeling, you will be trying to predict values. That's no surprise. Interpolated values are generally considered reliable, while extrapolated ones less reliable or sometimes invalid. तो interpolation ज़्यादा useful है compared to extrapolation.
एक्सट्रापोलेशन क्या करती है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर को डिफाइन करती है, और इंटरपोलेशन जो बीच का नंबर है उसको रिप्रेजेंट करती है. बट समटाइम्स एक्सट्रापोलेशन इज नॉट दैट मच प्रिफर्ड, इट समटाइम्स कुड बी इनवैलिड. इसका भी एग्जांपल देखते हैं. इन द सीक्वेंस फ्रॉम अबोव 2, 4, 6, 8, 10, 12, यू मे वॉन्ट टू एक्सट्रापोलेट अ नंबर बिफोर 2. नॉर्मली यू गॉट फॉर 0. हाउएवर द नेचुरल नंबर, नेचुरल डोमेन ऑफ योर प्रॉब्लम मे बी पॉजिटिव नंबर. इन दैट केस 0 वुड बी एन अनएडमिसिबल आंसर. इन फैक्ट ऑफन वी आर फेस्ड विद इशूज वेयर एक्सट्रापोलेशन मे नॉट बी परमिटेड बिकॉज द पैटर्न डजेंट होल्ड आउटसाइड द ऑब्जर्व रेंज और द डोमेन ऑफ द इवेंट इज. इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर टू फाइंड केसेस वेयर इंटरपोलेशन इज प्रॉब्लमेटिक. सो प्लीज बेयर इन माइंड दैट लास्ट बिट एंड डोंट फॉरगेट टू मैंशन इट इन द इंटरव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल एंड डेटा. अ पॉपुलेशन इज कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट टू योर स्टडी एंड इज यूजली डिनोटेड विद एन अपर केस कैपिटल एन. द नंबर्स वी हैव ऑब्टेंड व्हेन यूजिंग अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स. अ सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन एंड इज डिनोटेड विद अ लोअर केस एन. एंड द नंबर्स वी हैव ऑब्टेंड व्हेन वर्किंग विद अ सैम्पल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. दैट्स मोर और लेस what you are expected to say. Further, you can spend more some time exploring the peculiarities of observing a population. Conversely, it is likely that you will be asked to dig deeper into why in statistics we work with samples and what type of samples are there. In general, samples are much more efficient and much less expensive to work with. With the proper statistical test, 30 sample observation may be enough for you to take a data-driven decision. Finally, samples have two properties, randomness and representativeness. A sample can be one of those, both of those, or neither of those. To conduct statistical tests, which results you can use later on, your sample needs to be both random and representative. So let's see an example. Say you work in a firm with 4 departments, IT, marketing, HR and sales. There are 1000 people in each department, so a total of 4000 people. Okay, IT 1000, marketing 1000 and so on. You want to evaluate the general attitude towards a decision to move to a new office, which is much better on the inside but is located on the outside of the city. You decide you don't really want to ask 4000 people, but 100 is a nice sample. Now wo 4000 logo se to pooch nahi sakte ki kya decision le is par, which is better on the inside but is located on the other side of the city. So people, but 100 is a nice sample. Now we know that the 4 groups are exactly equal, so we expect that in those 100 people we would have 25 from each department. So first we'll pick 100 people out of the 4000 at random, 100 people, and realize that we have 30 IT, 30 marketing, 30 HR and 10 from sales. Obviously sales ka humne isliye liya ki sales ka to kaam hi hota hai, so that won't travel, so say 10 liya. Obviously the opinion of the sales department is underrepresented. We have a sample which is random but not representative. Second, I've been working in this firm for quite a while now, so I have many friends all over it. I decide to ask the opinion of my friends from each department because I want them to feel comfortable in this workplace. I pick 25 people from
ईच डिपार्टमेंट द सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव बट इज नॉट रैंडम. सो इन द फर्स्ट केस वी हैव अंडर रिप्रेजेंटेड सम ग्रुप ऑफ पीपल. इन द सेकेंड केस वी हैव मेड अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक सर्कल ऑफ पीपल एंड नॉट द जनरल पब्लिक. इफ आई वॉन्ट टू बी रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव आई विल पिक 25 पीपल फ्रॉम आई टी एट रैंडम देन 25 पीपल फ्रॉम मार्केटिंग एट रैंडम सम फॉर एच आर एंड सेल्स. इन दिस वे ऑल ग्रुप्स विल बी रिप्रेजेंटेड एंड द सैम्पल विल बी रैंडम. यू कैन डिसाइड टू स्किप दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और बेटर आस्क देम इफ दे वॉन्ट यू टू डाइव डीपर इन टू द टॉपिक एंड देन इम्प्रेस देम विच योर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग. इसका आंसर हमें थोड़ा इस तरह से स्टैटिस्टिकल वे में उन्हें देना होगा जो कि अच्छा इम्प्रेशन बनाएगा उनके ऊपर. सो आस्क देम इफ दे वॉन्ट यू टू डाइव डीपर इन टू द टॉपिक और उसके बाद आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि हम ये जो आपको बताया मैंने ये कर सकते हैं. मैं इतने लोगों को पिक करूँगा और इस हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा उस डेटाबेस पर. वॉट आर द स्टेप्स इन मेकिंग अ डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री कैसे बनाया जाता है. फर्स्ट अ डिसीजन ट्री को क्या होता है समझ लें हम. इट्स अ फ्लो चार्ट डायग्राम. इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू रीड अंडरस्टैंड एंड अप्लाई टू मैनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स. There are four steps that are important when building a decision tree. First, start the tree. ये पेड़ जैसा है. In other words, find the starting state. Maybe a question or idea, depending on your context. Second, add branches. Once you have a question or an idea, it branches out into one, two or many different branches. And the leaves, each branch ends with a leaf. The leaf is the state which you will reach once you have followed a branch. Repeat 2 and 3. We then repeat steps 2 and 3, where the starting points are the leaves until we finish all the tree. In other words, every question and possible outcome should be included. तभी डिसीजन ट्री हमें आउटपुट में मिल जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट यू मे बी एक्सपेक्टेड टू ऐड एडिशनल स्टेप्स लाइक कंप्लीट द ट्री, टर्मिनेट अ ब्रांच, वेरीफाई विथ योर टीम, कोड इट, डिप्लॉय इट एक्सेट्रा. हाउएवर दीज फोर स्टेप्स आर द मेन वंस इन क्रिएटिंग अ डिसीजन ट्री. वेदर टू इंक्लूड दीज एक्स्ट्रा स्टेप्स रियली डिपेंड्स on the position you are applying for. If you are applying for some data science project management position, you may be expected to say, अब इसे थोड़े ये तो हमने सिंपल में समझ लिया पर इंटरव्यू में हम इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाएं सो वॉट वुड बी द गुड आंसर. वैलिडेट विथ ऑल स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन ट्री. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ डेटा साइंटिस्ट पोजिशन You may be expected to explain a bit more about the programming language and library you intend to use. This also includes the reason why you would choose that library. आपको बताना होगा कि आपने डिसीजन ट्री कहाँ क्यों कैसे यूज़ किया और कौन सी स्टेप्स लगती है इसमें अप्लाई होती है. तो ये जो मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के साथ आप इसे और अच्छे से समझा सकते हैं. लेट से फॉर एग्जाम्पल मे बी एक्सपेक्टेड टू से validate with all stakeholders to ensure the quality of the decision tree. If you are applying for a data scientist position, you may be expected to explain a bit more about the programming language and library you intend to use. This also includes the reason why you would choose that library. आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की डिसीजन ट्री के लिए, किस तरह से यूज़ की, कौन सा डेटा था आपके पास, ये सब आपको बताना होगा. और कैसे प्रेडिक्शन आपका निकला डिसीजन ट्री से. आपने पाइथन लैंग्वेज यूज़ की, आर लैंग्वेज यूज़ की और कौन से पैकेज को यूज़ किया उसके लिए और एक प्रोजेक्ट लेके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू टू एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन मेकिंग अ डिसीजन ट्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी हाउ इज मशीन लर्निंग डिप्लॉयड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़.
दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी. मॉडल डिप्लॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस जॉब, बट इन फैक्ट एफिशिएंट मॉडल डिप्लॉयमेंट इज मोर ऑफन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा. इन अदर वर्ड्स, टू मेक श्योर एवरीथिंग इज राइट, यू वुड बेटर टर्न टू योर आईटी डिपार्टमेंट और हायर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट इन योर टीम. बेटर होगा कि आप अपने आईटी डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को हायर करें, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए. तो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. वंस यू ट्रेन द मॉडल, यू शुड सेव इट. एक बार आपने मॉडल ट्रेन कर लिया, फिर आपको उसे सेव करके रखना है ताकि आप उसे रीयूज कर सकते हैं एक बार ट्रेन करने के बाद अपने डेटा के अनुसार, और बेटर स्टोर इन अ फाइल. देर आर डिफरेंट वेज इन विच दिस कुड बी अचीव. द जनरल पाइथोनिक वन शुड. सो नाउ देर आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स. वंस यू ट्रेन अ मॉडल, यू शुड सेव इट और बेटर स्टोर इट इन अ फाइल. एक बार आपने एक मॉडल को ट्रेन कर लिया और वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, तो उसको आप सेव कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं एक फाइल में. सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच दिस कुड बी अचीव्ड. एक पाइथनिक होता है और पिकल और जॉब लिब, ये लाइब्रेरीज होती है जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं. हाउएवर लाइब्रेरीज सच एज टेंसर फ्लो डील विद मच मोर कॉम्प्लिकेटेड मॉडल ऑब्जेक्ट्स एंड दस दे ऑफर एड हॉक फंक्शंस फॉर डिप्लॉयमेंट. ऑफन दे लुक लाइक दिस. सेव फाइल नेम, उसके अंदर आप फाइल नेम लिख सकते हैं जो भी है फाइल आपकी. दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज ऑलवेज डन बाय द डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और हूएवर इज इन चार्ज ऑफ द मॉडल ट्रेनिंग. सेकेंड, कंप्यूटिंग इंस्टेंस. अमेजन वेब सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूरे ऑफर कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस और क्लाउड बेस्ड एनवायरमेंट्स दैट कैन रन द मॉडल यू हैव जस्ट क्रिएटेड. श्योरली यू कैन शेयर द फाइल विथ योर कलीग थ्रू ईमेल और मैसेंजर, बट मोर ऑफन दीज विल बी देयर विल बी सम क्लाउड दैट हैंडल्स द डिप्लॉयमेंट. द कंप्यूटिंग इंस्टेंस शुड बी सेटअप टू कम्युनिकेट विथ ऑल अदर सिस्टम्स दैट फेड द इनपुट्स एंड और रिक्वायर द आउटपुट्स ऑफ द मॉडल. ये जो अमेजन वेब सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, ये अजूर है, ये सब के थ्रू आप इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और क्लाउड से कनेक्ट होकर डेटा को कनेक्ट करके उस पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस कुड बी कॉल्ड कंप्यूटिंग असिस्ट इंस्टेंस. थर्ड इज जॉब स्केड्यूलर. हैविंग अ मॉडल एंड अ प्लेस टू रन इट, यू कैन स्पेसिफाई व्हेन एंड हाउ इट हाउ टू रन इट. That could be once a week, once per day, or every time an event occurs. Example, a transaction never use registration, etc. At the desired time, new data would be taken, loaded, cleaned, pre-processed, fed to the model, etc. Until you reach the desired outcome. Having completed these three steps, you are practically done. Third is job scheduler. Having a model and a place to run it, you can specify where and how to run it. That could be done once a week, once per day, or every time an event occurs. Example, a transaction, new user registration, etc. At the desired time, new data could be taken, loaded, cleaned, pre-processed, fed to the model, etc. until you reach the desired outcome. Having completed these three steps, you are practically done. So, we have a database ko इन तीन प्रोसेस पे ले जाना है एंड फाइनली विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट. यू विल हैव अ मॉडल रनिंग ऑन सम क्लाउड एट प्री शेड्यूल्ड टाइम्स. वंस यू हैव गॉट एन आउटपुट, यू कैन रिटर्न टू अ पाइथन नोटबुक और बेटर कनेक्टेड टू येट अनदर सिस्टम दैट कुड बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ टू.
डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स इट कुड बी अ वेब ऐप. एग्जाम्पल, अ रिकमेंडर सिस्टम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर कस्टमर एंड शोज देम रेलिवेंट रिजल्ट्स. और सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर सच एज टैब्लू और पावर बी आई विच कुड एनालाइज योर डेटा इन रियल टाइम. नीडलेस टू स्ट्रेस 2 and 3 वुड रेयरली बी अ डेटा साइंटिस्ट प्राइमरी जॉब. हिस्ट्री इन ए स्मॉलर टीम that may fall on them too. So here we end our first video of our video series Data Science Interview Questions and Answers, part 1, beginning. In the next part we'll get into deep and we'll understand how we can crack data. If you like this video, interview, please don't forget to subscribe our YouTube channel DataTalk. Also you can press the bell icon to remain updated with our new videos. So thank you for watching our video.